आंखों से बहते असमर्थता के आंसू, टूटते हौसले और अधूरी धार्मिक आकांक्षाएं, यह नजारा है धार्मिक नगरी पुष्कर के जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के मुख्य द्वार का, जहां देश और दुनिया से शारीरिक कमी के बावजूद आस्था का दामन थामे जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को अरसे से निराश होकर लौटना पड़ता है। हाल ही में मामला कोलकाता से आए एक श्रद्धालु से जुड़ा है, जो अपने पैरों में तकलीफ के कारण ब्रह्मा मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाया और सीढ़ियों में बैठकर रोने लगा। अरसे से यह नजारा आम है, जहां दिव्यांग और निशक्त ऊंची सीढ़ियों के कारण दर्शन नहीं कर पाते हैं और उनकी पीड़ा उनके आंसू से बह निकलती है। कोलकाता से आए हैं, हमारा तो अभी उम्र हो गया है, इतना सीढ़ी चढ़ना चढ़ते मंदिर दर्शन करना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ से अब प्रणाम किया। क्या बोले, ऐसा नहीं कि सिर्फ आम लोगों को इन सीढ़ियों को चढ़ने में तकलीफ होती है। 2 अगस्त 2016 को सूबे के राज्यपाल कल्याण सिंह ने अपनी पुष्कर यात्रा के दौरान इस समस्या को निजी तौर पर महसूस किया था और जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन मंदिर के बाहर से ही किए। उस समय महामहिम राज्यपाल ने निशक्त और वृद्ध जनों के लिए एस्केलेटर लगवाने का आदेश तत्कालीन जिला कलेक्टर को दिया, पर 3 वर्ष बीत जाने के बावजूद जिला प्रशासन आज तक महामहिम के आदेशों की पालना नहीं कर पाया। जगत पिता ब्रह्मा जी का मंदिर संसार में एकमात्र मंदिर है जहां लाखों लोग प्रतिदिन सालाना मासिक रूप से विशेष पर्व त्योहारों पे दर्शन और यात्रा करने के लिए आते हैं। पर बड़े दुख की बात है कि जब पिछले समय 2016 में महामहिम राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी जहां पुष्कर पधारे और उनके पैरों में तकलीफ थी और ब्रह्मा मंदिर के दर्शन जाने के लिए कम से कम 30-35 सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता है, ऊंचाई पे है, टीले पे मंदिर बना हुआ है, इस कारण से सीढ़ियां भी 30-35 सीढ़ियां हैं। लेकिन जब पुष्कर में विकलांग लोग या वरिष्ठ नागरिक जिनमें पैरों में तकलीफ है वो लोग दर्शन से वंचित रह जाते हैं, तो जब गवर्नर साहब यहां पधारे थे और उन्होंने नीचे से ही ब्रह्मा जी के दर्शन किए तो उन्होंने अपनी एक जिज्ञासा बताई कि क्यों नहीं यहां ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे सभी जिनके पैरों में तकलीफ है और विकलांग है और जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो आराम से ब्रह्मा जी के सामने सम्मुख होकर दर्शन कर सके, ऐसी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। तो हमने उनसे निवेदन किया कि सर यहां एक्सेलेटर या लिफ्ट की कोई व्यवस्था की जानी चाहिए, तो उन्होंने हाथों हाथ जिला कलेक्टर को इस कार्य को करने के लिए निर्देश दिए थे और जिला कलेक्टर ने इस बारे में एडीए को ये काम दिया था और 25 लाख की सैंक्शन भी उस समय हो गई थी। पर लेकिन ब्रह्मा जी का मंदिर राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षित है और पुरातत्व विभाग में आता है, इसलिए ये काम ब्रह्मा मंदिर में जो एक्सीलेटर और लिफ्ट लगने का है वो पुरातत्व विभाग की परमिशन के लिए जब जिला कलेक्टर ने एएसआई को लिखा था तो एएसआई ने यह कह के इस बात को मना कर दिया कि ये प्रोटेक्टेड एरिया में आता है ये स्थान, तो इसलिए हम स्वयं ही इसमें एक्सीलेटर और लिफ्ट की जो व्यवस्था करनी है वो हम करेंगे। पर लेकिन गत 3 साल गुजर गए, 16 से लेके आज 19 चल रहा है, न तो पुरातत्व विभाग ने इस पर कोई कार्रवाई की और न जिला प्रशासन ने और न राज्य सरकार ने महामहिम जी के आदेश की पालना की। और आज जितने भी लोग यात्री जो बेचारे बुजुर्ग और विकलांग और घोड़े की तकलीफ के आते हैं वो बिना दर्शन किए लौटते हैं, तो ये बड़े दुख की बात है, बड़ी मतलब हमारे लिए पुष्कर के नागरिकों के लिए, तीर्थ पुरोहितों के लिए, पंडित पुजारियों के लिए भी बड़ा खेद का विषय है कि आज तक इस पर यह व्यवस्था नहीं हो पाई है। हम चाहते हैं कि राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से जल्द से जल्द लिफ्ट की या एक्सेलेटर की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे जो भी यात्री ब्रह्मा जी की और गायत्री जी के दर्शन करके पुण्य लाभ लेना चाहता है वो आराम से दर्शन करके और यहाँ से जाए। ऐसा नहीं कि जिला कलेक्टर महोदय हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक स्थल की समस्या से अवगत नहीं है, अभी तो जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा ब्रह्मा मंदिर का प्रबंधन संभाल रही अस्थायी समिति के अध्यक्ष भी है, पर उनकी उदासीनता का दंश अब देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों को झेलना पड़ रहा है। तकलीफें तो रोजाना बढ़ती जा रही है, दिनों दिन यात्री बहुत बूढ़े बुजुर्ग वगैरह आते हैं, महिलाएं आती हैं, तो एक्सीलेटर की बात है वो अभी तक लगा नहीं है, 2 साल लगभग पूरे हो चुके हैं, दोपहर राज्यपाल महोदय भी आ चुके हैं, राष्ट्रपति महोदय भी आ चुके हैं, वह चढ़ने की असमर्थता के कारण और एक्सीलेटर नहीं होने के कारण वह दर्शन नहीं कर पाए थे। यहाँ दिनों दिन जो यात्रियों का भार बढ़ता जा रहा है, कई बुजुर्ग यात्री आती हैं, रोजाना समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। जो यहाँ अस्थायी प्रबंधन कमेटी है जिसके अध्यक्ष कलेक्टर महोदय हैं, वह अभी तक इस कार्य के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि यह कार्य 2 साल से क्यों नहीं हो पा रहा है। ब्रह्मा मंदिर का जो एक्सीलेटर का जो मामला है,
वो पूर्व की सरकारों ने, जैसे गवर्नर साहब थे और पूर्व जो अपने प्रभा ठाकुर जी भी थी, उनको भी काफ़ी दिक्कत महसूस हुई क्योंकि उनके पांव के घोड़े की वजह से ऊपर चढ़ने की। और कई तीर्थयात्री ऐसे भी आते हैं, अभी कुछ दिन पूर्व भी मेरे साथ कुछ यात्री थे, वृद्ध माता जी थी, तो इतनी रोने लग गई कि मैं यहाँ आके ब्रह्मा जी के दर्शन नहीं कर पाई। उसका सबसे बड़ा कारण कि जो पेड़ी हैं उस पर आम बुजुर्ग आदमी या कोई चढ़ नहीं पाते हैं, तो एक एक्सीलेटर की बहुत ही आवश्यकता महसूस हुई। पूर्व में कलेक्टर साहब थे, उन्होंने भी प्रयास किए थे मगर उनके द्वारा हो नहीं पाए। और अभी वर्तमान में कलेक्टर साहब से भी कहना चाहूँगा कि कृपया आप अस्थायी समिति जो ब्रह्मा मंदिर की बनी हुई है उसके आप अध्यक्ष महोदय हैं, और आपसे मैं आशा करूँगा कि अतिशीघ्र इसको पूर्ण किया जाए ताकि आम यात्री या ये जो वृद्ध आते हैं उनके लिए बहुत बड़ी एक सुविधा हो जाएगी। देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अपनी 14 मई 2018 की पुष्कर यात्रा के दौरान इसी समस्या से रूबरू हुए थे और उन्होंने भी ब्रह्मा मंदिर की सीढ़ियों में बैठकर जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन किए थे। इन सभी घटनाओं के बावजूद जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा की ब्रह्मा मंदिर के प्रति उदासीनता आज तक बरकरार है। विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह था, मैं भी उसके अंदर उपस्थित था और मैं महामहिम दीक्षांत उसके समापन के उपरांत मैंने उनसे निवेदन किया कि तीर्थराज पुष्कर हमारा अनादि तीर्थ है और ब्रह्मा जी का मंदिर विश्व में एक है, तो आप वहाँ पधारिए, दर्शन करिए। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय को, उन्होंने तत्काल प्रभाव से कहा कि चलो सीधे वहीं चलते हैं, तो यहाँ आए और देख के वो खुद भी अद्भुत थे। और उन्होंने जब मैंने उनसे निवेदन किया कि वह ब्रह्मा जी के मंदिर पर सीढ़ियाँ काफ़ी चढ़ना है, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ महामहिम राज्यपाल महोदय को कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से निर्देश दिए कि यहाँ एक्सीलेटर सीढ़ियाँ लगाई जाए ताकि वृद्धजनों को और जिनको चलने के अंदर असुविधा होती हो उनको सुविधा मिले, इसके लिए उन्होंने आज निर्देश जारी किए। और हम भी उनको विश्वास दिलाया कि जल्दी इसका कार्य को हम मूर्त रूप देंगे। और आज हमारा परम सौभाग्य है कि राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय यहाँ तीर्थराज पुष्कर पधारे। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।